तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहे क्वेश्चन? द हाइड्रोकार्बन कंटेंट 79.87% कार्बन एंड 20.13% हाइड्रोजन, व्हाट इज इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला? ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर टेबल बना लेते हैं। ठीक है, लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही, तो आप समझो ये स्ट्रेट लाइन है, मुझे श्राप मिला है बहुत ही टेढ़ी लाइन बनाने का। तो यहां पर है कार्बन, यहां पर है हाइड्रोजन। कार्बन का बच्चों एटॉमिक मास कितना होता है 12, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। अब यहां परसेंटेज कितना है, यहां पर कार्बन का 79.87, ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना है 20.13। अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो 79.87 डिवाइडेड बाय 12 लेना पड़ेगा, 12 × 6 = 72। तो यहां पर ये पकड़ लेते हैं 6.5, इसको पकड़ लेते हैं 20.13 डिवाइडेड बाय 1, यानी कितना आ रहा है 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे, तो ये कितना आता है 13 और ये कितना आता है 40। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 13, 13 × 13 = 13, तो सभी 33 = 39, यानी ये 1:3 के रेशियो में आ रहा है। यानी मान लेते हैं कार्बन एक है तो हाइड्रोजन 3 है, ठीक है, कार्बन कितने हैं एक है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3 फॉर्मूला बनेगा। अब ऑप्शन कौन सा सही आएगा, तो सी ऑप्शन सही आएगा, तो सी ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। तो बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।